हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर को समझाते हुए मैंने 5-6 वीडियोस एक्सप्लेन करते हुए बनाई थी, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि पूरे चैप्टर के मिड में से कहीं से भी हमारे एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो हम रीड कर लेते हैं उसके बाद भी हमें जो है नहीं ध्यान रहते हैं, तो उनको कवर करते हुए मैंने बनाई है ताकि एक बार आपकी आँखों के आगे से आ जाते हैं तो एग्ज़ाम में थोड़ा करना ईजी हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि आप सबसे पहले पढ़ने का सही तरीका क्या है कि आप चैप्टर को बुक से पढ़ें। सबसे पहले जो समझ आता है ठीक है, जो नहीं आता है उसको आप समझने के लिए वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स आते हैं तो वो भी आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं आता है तब आप वीडियोस की हेल्प लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको आदत हो जाती है किसी भी नए क्वेश्चन को फेस करने की, ठीक है, जो कि आगे चल के आपको स्कोर करने में ईजी हो जाएगी, ठीक है। और आपको अगर मेरे पढ़ाने से अच्छा लगे तो मेरे चैनल कम्फर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ क्रॉप, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ क्रॉप, क्रॉप क्या है। तो हमने बहुत बार पढ़ा था कि प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप। जो कोई ऐसे प्लांट्स जो कि लार्ज स्केल में किसी भी एरिया में ग्रो किए जाते हैं और वो भी पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस हिसाब से हमारे क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो जो एक साथ जो कल्टीवेटेड की जाती है कोई भी प्लांट उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा काम आता है, खरीफ क्रॉप्स का, रबी क्रॉप्स का, तो ये एग्जाम्पल्स तो आप बिल्कुल पक्के कर ही लो, ये तो पक्का आना ही है, कहीं मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके, खरीफ क्रॉप्स के, ठीक है। नेक्स्ट है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड आर एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। एक बार आप मेरे साथ याद करें, रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, इंडिया में जो एग्रीकल्चर की जाती है, जो क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन सा फेज पहले करा जाता है, कौन सा बाद में किया जाता है। तो इसमें पढ़ाते टाइम जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो बहुत अच्छे से समझाया था, तो अभी एक बार आप और देख लो। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर नेक्स्ट इज सोइंग, बीज उगाए जाते हैं, नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर जो उस सीड या उस क्रॉप के पर्टिकुलर है उसको डाला जाता है। नेक्स्ट इज इरीगेशन, पानी दिया जाता है उसको, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब जब प्लांट्स बड़े होने लगते हैं तो उसमें वीड्स भी डेवलप हो जाते हैं, वीड्स जो मतलब अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं वो भी उसमें ग्रो कर जाते हैं जो कि उसके न्यूट्रिशन लेवल को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए हमें वीड्स को निकालना होता है। नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग, जब क्रॉप जो है वो बड़ी हो जाती है तो उसे कट करना यानी हार्वेस्ट करना होता है। नेक्स्ट इज़ जब हमारा जो भी ग्रेन है या जो क्रॉप है वो आ गई तो उसे स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ टिलिंग और प्लोइंग, प्लोइंग और टिलिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। प्लोइंग यानी जब एक प्लो होता है उससे मिट्टी को नीचे ऊपर किया जाता है, मतलब खोदा जाता है इस तरीके से कि थोड़ा एक तो मिट्टी पोरस हो जाती है, हवा उसमें क्रॉस होने लगती है, वो हार्ड नहीं रहती है, लूज हो जाती है। सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, इससे न्यूट्रिएंट्स भी नीचे ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट है नेम सम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स या इम्प्लीमेंट्स हमारे एग्रीकल्चर में काम आते हैं, तो उसमें है एक तो प्लो, सिकल, लेवलर, हो, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, कंबाइन, विनोइंग मशीन्स आर सम इक्विपमेंट्स यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। इसके अलावा और भी बहुत छोटे बड़े होते हैं इक्विपमेंट्स, लेकिन ये एक मेजर इक्विपमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स, जिन्हें हिंदी में हम खाद भी कहते हैं, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, गिव सम एग्जाम्पल्स। तो फर्टिलाइजर्स आर फैक्ट्री मेड केमिकल्स, ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, केमिकल्स होते हैं विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट,
और बस फर्टिलाइज़र का ये यूज़ होता है कि जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या कैल्शियम, ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराते हुए बनाए जाते हैं। जिस क्रॉप को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उसको वही वाला फर्टिलाइज़र दे दिया जाता है, तो बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट इज़ इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके की फुल फॉर्म भी कई बार हमारे एग्जाम में आ जाती है, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ तो के लिखा है और यहाँ पोटेशियम है, तो पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो के होता है, ठीक है, पोटेशियम का सिंबल के है, इसलिए यहाँ पे के लिया गया। एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। वैसे तो और बहुत सारे हैं, लेकिन वही बात है ना, यहाँ पे भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वाले ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर क्रम्स ब्रोकन। जो मिट्टी के मोटे मोटे पत्थर जैसे से हमारे फील्ड में डेवलप मतलब ग्रो बन जाते हैं, एक कुछ टाइम बाद में मिट्टी हार्डन्ड होकर के क्रम्स में चेंज हो जाती है, तो उनको क्यों कैसे ब्रोक किया जाता है, तो द क्रम्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ अ प्लैंक। प्लैंक की हेल्प से क्रम्स आर ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ प्लोइंग डन दीज डेज। आजकल प्लोइंग कैसे की जाती है, तो प्लोइंग इज़ डन बाय मल्टी प्रोंग्ड प्लो अटैच्ड टू अ ट्रैक्टर। पहले क्या होता था कि जो बैल होते थे, बैलों के पीछे एक लकड़ी जैसा एक स्ट्रिप होती थी मोटी सी लकड़ी की, उसके नीचे एक या दो जो ये मल्टी प्रोंग्ड लिखा है, जो इस टाइप के प्रोंग होते थे इस शेप में, वो मिट्टी को खोदने का काम करते थे। तो उसके ऊपर कोई पर्सन खड़ा हो जाता था वज़न डालने के लिए, और जब वो बैल आगे चलते थे तो उससे जो है वो प्लो मतलब खेतों में प्लोइंग वाला प्रोसेस हो जाता था, खेतों में मिट्टी जो है वो प्लो हो जाती थी। लेकिन ये प्रोसेस से जो लार्ज फार्म्स हैं उनको कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आजकल क्या करा जाता है कि ट्रैक्टर के पीछे ही मल्टी प्रोंग्ड प्लो को अटैच कर दिया जाता है, जिससे कि बहुत उसमें 7-8 ऐसे लगे होते हैं, जिससे ज़्यादा एरिया बहुत कम टाइम में कवर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है कि एक ही क्रॉप को हमेशा उगाना, मतलब अभी काटा नेक्स्ट टाइम फिर वही उगा दिया, फिर वो काटा फिर वही उगा दिया, उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट उसको चाहिएगा उस पर्टिकुलर क्रॉप को वो उसमें ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो और क्रॉप रोटेशन और बदल बदल के लगाने से क्या होगा, मान लो एक को नाइट्रोजन चाहिए, दूसरे क्रॉप को फॉस्फोरस चाहिए, तो वो आपस में उनके इतने टाइम में वो यूज़ में आ जाता है। अगर उसको चाहिए तो फिर नेक्स्ट मिट्टी में जो रह गया वो अगला जो क्रॉप उगाई जाएगी वो उस न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग उगाई जाएगी। नेक्स्ट इज इसका आंसर क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली, एक एक करके उगाना, मतलब एक साथ नहीं कि अभी काटा फिर दोबारा, अभी लगाया फिर अगली बार दूसरा लगा दिया, फिर कोई और लगा दिया, फिर वो लगा दिया, फर्स्ट वाला लगा दिया, तो ऐसे रोटेट करके कभी कुछ करके बना दिया जाता है। तो क्रॉप ग्रोइंग क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली टू प्रिवेंट लॉस ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। किसी भी सॉइल की कमी ना हो, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो जाए सॉइल में, इसलिए क्रॉप रोटेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब जो ये फर्टिलाइज़र मैंने बताए थे ये केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, लेकिन मैन्योर होते हैं जो डेड लीव्स, डेड प्लांट्स या जो काउ डंग होता है उससे उसको सड़ा करके या उसको डीकम्पोज करने के बाद मिट्टी में ये बन जाता है, उसे कहते हैं मैन्योर, ठीक है। तो मैन्योर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। देखो इसमें यहाँ पे क्या है कि फर्टिलाइजर्स जो है वो प्रोडक्शन के लिए तो अच्छा होता है कि जो फसल है उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिल जाता है डायरेक्टली, तो वो तो बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन उसके अलावा वो सॉइल को इम्पैक्ट करता है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है, प्लस हमारे जो क्रॉप है उसमें भी केमिकल चला जाता है जो कि हार्मफुल हो सकता है, और हमारे जो लैंड जो फार्म्स हैं उसमें जब हम फर्टिलाइज़र को स्प्रेड करते हैं तो वो पानी के थ्रू अंदर डीप इनसाइड द अर्थ भी चला जाता है, जो कि हमारे अंदर वाले पानी को भी केमिकल से भर देता है, जो कि हमारे लिए आगे चल के हार्मफुल होता है। लेकिन इसकी जगह मैन्योर जो है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन में थोड़ा कह सकते हैं कि उतनी प्रोडक्शन ये नहीं दे पाता जितना कि फर्टिलाइजर्स देता है। तो अब उसमें एडवांटेजेस बताने हैं मैन्योर के, मैन्योर के क्या एडवांटेजेस हैं।
इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल को ये बहुत पोरस, बहुत सॉफ्ट बना देता है, जिससे कि पानी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. इट मेक्स द सॉइल पोरस सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. जब वो पोरस हो गया तो उससे भी जो है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी हो जाता है. इट इंक्रीजेज फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल. अब सॉइल में जो है वो जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने ही तो डिकम्पोज किया था लीव्स को और वेस्ट मटीरियल्स को, तो वो उनमें माइक्रोब्स जो हैं वो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, जो कि हमारी क्रॉप के लिए और हमारी सॉइल के लिए अच्छे होते हैं. नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर एंड लाइफ ऑफ द सॉइल. इससे सॉइल की लाइफ ख़राब नहीं होती है, सॉइल बहुत लॉन्ग टाइम तक अच्छी बनी रहती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ट्रेडिशनल मैथड्स ऑफ इरीगेशन. जो पुराने मैथड्स थे इरीगेशन के वो कौन कौन से थे. एक तो मोट या पुली सिस्टम, चेन पम्प, ढेकली एंड रहट. ये वाली वीडियो जो मैंने इरिगेशन के ऊपर बनाई थी, इसे मैंने विद मतलब एग्जांपल्स मतलब दिखा करके, पिक्चर के थ्रू दिखा करके बना रखी है. तो अगर आपको समझ नहीं आ रहे हो ये सब क्या है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. अब कौन से हैं, अब है स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन. स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन ये जो दोनों मेथड्स हैं ये वाटर सेविंग मेथड्स भी हैं. इसमें पानी कम लगता है और ज़्यादा अच्छा उसमें इरिगेशन हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या है, तो सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग. तो क्या होता है, जब कोई भी प्रोड्यूस की जाती है कोई भी क्रॉप, तो उसमें प्लांट के और पार्ट्स भी एडेड रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं शाफ. तो जो हमारा ग्रेन है वो तो निकाल लिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ शाफ भी आ जाता है, तो उसके सेपरेशन को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं. सो तो अगर आपको मेरे पढ़ाने से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स. सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय.